Good morning. On your repeated demand, I'm going to explain or discuss numericals on Gay-Lussac's law. So first of all, we should know that this law is valid only for gases. It is not valid for solid or liquids. It is only valid for gases. So a little concept I want to give you here, then I'll explain numericals. When H2 gas react with Cl2 gas, it gives HCl. It is also a gas. So first of all, you have to balance the equation. You need to know that. सबसे पहले आपको equation balance करना है. मान लिए balance कर दिए. अब ये भी देखना आपको कि सब gas form में है या नहीं. सब gas form में है. अगर liquid form में हुआ तो उसको हम लोग यहाँ पे consider नहीं करेंगे. Because it is already told, it is only valid for gas. अब क्या करना है, इसके पहले आप नंबर देखिए कि कितना नंबर है. Nothing is written means there is one. So we can say it is 1V volume. Same here, it is 1V and here is 2V. अब हम लोग according to Gay-Lussac law कह सकते हैं कि दो वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने के लिए वन वॉल्यूम हाइड्रोजन चाहिए और वन वॉल्यूम क्लोरीन चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ Gay-Lussac लॉ, ही सेड दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स which bear a simple ratio to one another, simple ratio to one another and to the volume of the gaseous products, provided all the measurements are done under same conditions, it means pressure and temperature, then these law is valid or applicable. So according to the statement, we can say 1V is to 1V is to 2V and this is always constant. मतलब कि आप या तो झारखंड में दो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाइए या कहीं और जाके बनाइए, किसी भी लैब में बनाइए, आपको ये वन वॉल्यूम हाइड्रोजन चाहिए और वन वॉल्यूम क्लोरीन चाहिए, तब तक जब तक कि आप कंडीशंस को चेंज नहीं कर रहे. हाँ, अगर आप कंडीशन चेंज करते हैं तो ये जो रेशियो है ये चेंज हो सकता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक. सो आई विल टेक न्यूमेरिकल फ्रॉम द बुक. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 4, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4A. सो आई एम रीडिंग बुक एंड यू कैन सी, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. क्या निकालना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो आपको कैलकुलेट करना है. आप राइट साइड लिखो, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और क्वेश्चन मार्क दे दो. फिर आगे पढ़ते हैं, लिखा एट एसटीपी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जरूरत है एट एसटीपी पे, कहे के लिए, क्यों, किस बात के लिए, द कंप्लीट कंबशन ऑफ 100 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. मतलब 100 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरी तरह से जलाने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे. तब इसमें इक्वेशन आपका दिया हुआ है, वॉल्यूम किसका दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड का. वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज गिवेन 100 लीटर्स एंड इक्वेशन इज गिवेन CO प्लस O2 इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यह कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस.
Now you can check is it balanced or not. आपको सबसे पहले करना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं. अगर आप बैलेंस नहीं करते हैं तो आपका आंसर गलत आएंगे. सो आप देखिए कार्बन कितना है, एक. यहाँ कितना है, एक. ऑक्सीजन कितना है, थ्री. कितना है, टू. अनबैलेंस्ड है तो कोशिश करते हैं बैलेंस करने का. यहाँ लिख दिए दो. अब कार्बन कितना हो गया, दो. यहाँ कार्बन कितना है, एक. यहाँ कितना लिखेंगे, टू. अब आप फिर से देखिए कि ऑक्सीजन कितना हो गया, चार. दो और दो चार. यहाँ कितना हो गया, दो और दो चार. अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया. अब हम लोग फॉलो करेंगे गेल लुसेक लॉ. क्या बोले हैं कि उसके बगल में जो नंबर लिखा है उसको वॉल्यूम के फॉर्म में लिखे, टू वी. यर विल बी वन वी, यर विल बी टू वी. अब आप एक रिलेशन देखिए कि क्या दिया है क्वेश्चन में और क्या निकालना है. हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. तो आप हम यूनिट्री मेथड के अलावा दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान मेथड है, आप उसको जल्दी से समझ सकते हैं. जो आपको क्वेश्चन में मालूम है उसको पहले लिखिए. वॉल्यूम ऑफ CO, ये हमको मालूम है. हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. तो लिखेंगे इस टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड. हमको जरूरत कितना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड. इतना लिखने के बाद अब आपको इक्वेशन में देखना है कि वॉल्यूम ऑफ CO के नीचे कितना लिखा हुआ है. लिखा हुआ है 2V is 2. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इक्वेशन में देखिए कितना लिखा हुआ है, 2V. ये हम जितना भी लिखे अभी इक्वेशन से लिखे. अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इतना वॉल्यूम CO2 को कंप्लीट कंबशन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए. तो नेक्स्ट स्टेप में जो वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिखेंगे इस टू. अब इसको दो आप देख सकते हैं कि दो वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, टू वॉल्यूम. तो 100 लीटर को जलाने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, नहीं पता है. तो मान लिए कि वो कितना है, एक्स. उसको मान लिए कि एक्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए से मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए. तो क्या हो सकता है, 2V into X is equal to 100 liters into 2V. Yes, हमको निकालना क्या है, X. लिख सकते हैं X is equal to 100 liter into 2V by 2V. यहाँ से 2V cancel हो गया. कितना बचा X? X हो गया 100 liter. तो बोल सकते हैं volume of, क्योंकि X क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड. सो वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 100 लीटर. ये आपका हो गया आंसर. ऐसे हम निकाल सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा 100 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाने के लिए. एक और एग्जांपल हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल पार्ट. यू कैन सी इन योर बुक एज वेल एज कैन गो थ्रू द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S. अब क्वेश्चन पढ़ते जाइए, मार्क करिए क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे. 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S. सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. सो गिवन क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ H2S इज गिवन. हाउ मच इज 112 सेंटीमीटर क्यूब इज मिक्स्ड विद 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन. और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है, वो दिया है आपका 120 सेंटीमीटर क्यूब. दोनों को मिक्स किया गया, मतलब कि H2S और Cl2 गैस का रिएक्शन हुआ. तो ये क्या दे रहा है, क्वेश्चन में लिखा, इट प्रोड्यूस HCl गैस और प्रोड्यूस कर रहा है सल्फर सॉलिड. इट इज स्टैंड फॉर सॉलिड. तो आपको इसमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट्स. क्वेश्चन में पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट. अब आप देख लीजिए कि इसमें गैसियस प्रोडक्ट कौन है, HCl. तो इसका वॉल्यूम निकालना है. तो लिखेंगे
वॉल्यूम ऑफ HCl इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और इसमें क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। दूसरा क्वेश्चन और क्या है, कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। अब याद इसमें समझना क्या, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, इसमें आपको तीन पता करना है, तीन कैलकुलेशन करना होगा कि कितना वॉल्यूम यूज्ड हुआ, कितना वॉल्यूम अनयूज्ड हुआ और कितना वॉल्यूम बना। ये तीनों चीज आपको निकालना पड़ेगा। तो कितना वॉल्यूम बना वो तो ऑलरेडी पहला पूछ चुका है। अब दो चीज और आपको निकालना है कि जो वॉल्यूम दिया है उसमें कितना यूज हुआ और कितना बच गया। अब कितना बच गया उसको पता करने के लिए हमको यूज निकालना होगा। मान लीजिए आपके आपके पापा अगर आपको दिए 100 रुपए, आप दुकान गए, आप दुकान में खर्च किए 96 रुपीज, तो कितना पैसा बचा, तो कितना खर्च किए उसको हम लोग 100 से माइनस कर देंगे। तो अब आपको वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। अब ऐसे समझिए, अगर आपके पास दो वैल्यू दिया हुआ है तो हमेशा आपको जो क्या बोलेंगे उसको, जो बेंचमार्क है उसको बोलेंगे, जो लिमिट लिमिट कैसे बोलते हैं, लिमिट वैल्यू, जो लिमिट वैल्यू है उसको लेके आपको कैलकुलेशन करना है। तो लिमिट उसको बोल सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें अब जो हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम लोग इसी को लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि अब देखो दोनों रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है, अब इसका 112 है, इसका 120 है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ये 120 है तो 120 यूज हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 120 से ज्यादा यूज हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 120 से कम ही यूज हो सकता है। तो हमको वही पता करना है कि जो क्लोरीन का 120 वॉल्यूम दिया हुआ है क्या पूरा यूज हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है हम लोग वो पता कर। अब हमको क्या देखना है पहला स्टेप कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। अब देखिए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 नहीं बैलेंस है, 2। अब देखिए सल्फर कितना है, 1 सल्फर कितना है, 1 क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन कितना है, 2। अब बैलेंस हो गया, सब गैस है, इसको लिखिए 1V 1V 2V, सॉलिड है तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या लिखेंगे, नील, बिकॉज ओनली वैलिड फॉर गैसेस। तो हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ Cl2 यूज्ड। तो जो निकालना है जो भी कैलकुलेट करना हो राइट हैंड साइड लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ Cl2 यूज्ड, यस। और हमको किसको लेके बनाना है, यह है बेंचमार्क मेरा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ H2S, सेम रूल फॉलो करेंगे, इक्वेशन देखेंगे वॉल्यूम ऑफ H2S 1V, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इज 1V, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ H2S इज गिवन 112 cm³, एंड वॉल्यूम ऑफ Cl2 यूज्ड वी डोंट नो, सो लेट अस इट इज x, क्रॉस मल्टीप्लाई then you will get x is equal to 112 cm³. अब x यहाँ पे क्या मांगे है, वॉल्यूम ऑफ Cl2 यूज्ड इज x, तो x मेरा कितना है 112। अब जब वॉल्यूम ऑफ Cl2 यूज्ड हमको मालूम है 112 और पापा कितना पैसा दिए थे हमको 112, तो बाकी क्या हो गया, बच गया, मतलब रिएक्शन में 112 ही यूज हुआ, 120 नहीं। तो लिखेंगे unused volume of Cl2 is equal to given value minus used value, और used volume भी बोल सकते हैं, given volume कितना है 120 cm³ and used volume कितना है 112। तो सब्सट्रैक्ट करें कितना आएगा, तो 8 cm³, मतलब इतना वॉल्यूम ऑफ Cl2 यूज नहीं हो रहा है। दो चीज हम लोग फाइंड कर लिए, यूज्ड वॉल्यूम अनयूज्ड वॉल्यूम, इस तरह का क्वेश्चन है। अब क्या बच गया, वॉल्यूम ऑफ गैसियस फॉर्म्ड, जो कि ऑलरेडी पूछा हुआ है, हमको किसको लेके बनाना है ऐसा कैलकुलेशन, जो बेंचमार्क है। अब इस दोनों के बीच में रिलेशन स्टेटमेंट लिखेंगे, तो सेकेंड पार्ट वॉल्यूम ऑफ H2S is to volume of HCl formed. फिर से फॉलो करें 1V हो जाएगा
टू वी, क्योंकि लिखा हुआ है टू वी, तब इसको इसका एक्चुअल वॉल्यूम कितना है 112, और हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो लेट अस इट इज एक्स, cos मल्टीप्लाई करिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 112 सेंटीमीटर क्यूब इंटू टू वी बाई 1V, ये भी कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना आएगा, तो हो जाएगा 2 × 4 = 11 सेंटीमीटर क्यूब। तो x यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ SCL फॉर्म, सो आंसर विल बी वॉल्यूम ऑफ SCL फॉर्म इज इक्वल टू 224 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द थर्ड आंसर, दिस इज द फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर एंड थर्ड आंसर, एंड आई होप आई एम क्लियर, यू हैव अंडरस्टूड with these numericals the topic gay Lussac law. So I'm going to end the class here.